ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दूसरी बात, पूंजी जमा करें और इस सृष्टि का सबसे बड़ा पुण्य, तीनों लोकों का सबसे बड़ा महादान क्षमा दान है। इस पुण्य से हम शुरुआत करेंगे अपने जीवन की, आज के शाम की। यही संकल्प करें, पूर्व जन्मों का तो मुझे पता नहीं मैं क्या क्या करती हुई आई हूं, लेकिन मुझे जब फॉरगेट करना है, क्षमा याचना या क्षमा दान करना है, तो इस जन्म से रिलेटेड आत्माओं से भी और जो पूर्व जन्मों से संबंधित हैं, जिनसे मेरे कड़े कार्मिक अकाउंट है, कड़े हिसाब किताब है, उन सब से क्षमा याचना करनी है, क्षमा दान करना है, ताकि वो भी हिसाब किताब का रूप ना बन सके। भीष्म पितामह कांटों की सैया पर है, पूरा शरीर छलनी है। इस जन्म में उन्होंने धर्म के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें याद नहीं आता कि मैंने कोई पाप किया इस जन्म में, केवल एक, कौरवों को साथ देने के अलावा। अब उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, इच्छा मृत्यु का वरदान होने के नाते आज वो देह त्यागना चाहते हैं, परंतु एक अपना प्रश्न श्री कृष्ण से पूछना चाहते हैं। वो कहते कि बताइए, ऐसी मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे इतना लंबा समय इस कांटों की सैया पर रहना पड़ा। श्री कृष्ण उनको पूर्व जन्मों में ले गए, सैकड़ों साल पहले की बात है। देखो तुम्हारा उनको दिव्य दृष्टि मिल गई थोड़े टाइम के लिए, और उन्होंने सैकड़ों साल पीछे जाके देखा कि मैं एक राजकुमार, यंग, शक्तिशाली, अपनी कुछ सेना की टुकड़ी के साथ शिकार खेलने जंगल में जा रहा हूं। अचानक रास्ते में एक नाग आया, अपने ताकत के बल पर उसकी पूंछ पकड़ी, घुमाया और उसे झाड़ियों में डाल दिया। असंख्य कांटे उस सांप के बदन में घुस गए, उसका परिणाम तुमने ये सैकड़ों साल के बाद आज भोगा है। कर्म गति से कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता, लेकिन हाँ, इस कर्म गति को जो जाने अनजाने में मेरे से हो गया है, इन कार्मिक अकाउंट को, इन हिसाब किताब को, इन दुख रोग शोक को, हार पराजय को, असफलता को, मनमुटाव को, हम खत्म कर सकते हैं क्षमा मांगकर। मुझे याद आ रहा था कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, कुछ कैदी जिनमें बहुत परिवर्तन आ गया, कुछ उनके जो वहां के डिपार्टमेंट पुलिस होती है वो भी कुछ सर्टिफिकेट देते, वो भी एप्लीकेशन राष्ट्रपति को लिखते हैं कि हमें माफ किया जाए, हमें अपनी गलती बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई, हम जीवन में दोबारा इस तरह का काम नहीं करेंगे, क्षमा याचना का पत्र लिखते हैं। और राष्ट्रपति इन शुभ दिनों पर किसी किसी की क्षमा याचना स्वीकार कर लेते हैं, और जैसे ही क्षमा याचना स्वीकार होती है तो सजा खत्म। तो पता चला क्षमा क्या करता है, क्या करता है क्षमा, सजा खत्म।